I'm obsessed with this product. ये मेरे स्किन को इतना हाइड्रेट करता है एंड दिस इज सो नाइस. अगर आपको ग्लास स्किन चाहिए तो आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो. आपके फेस में पिंपल्स के दाग है, पिगमेंटेशन है, तो दिस इज बेस्ट. हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज अना तामंग. आई होप आप सब लोग ठीक होंगे. सो आज का वीडियो होने वाला है मेरा स्किन केयर वीडियो, रियल स्किन केयर वीडियो, जो कि एकदम ही नॉन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है. जो भी प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ वो मैं अपनी डेली लाइफ में यूज करती हूँ, वही प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ. सो ये है मेरी स्किन केयर की चीज़ें जो कि मैं डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ एंड मैं आगे आपको बताने वाली हूँ मैं क्या यूज़ करती हूँ, किसके बाद क्या यूज़ करती हूँ. उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा. इट्स बीन अ वन ईयर मैंने ये सारी चीज़ें अपने स्किन केयर में ऐड किया हुआ. उससे पहले मैं वन ईयर पहले मैं बस फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर यूज करती थी. उससे उतना ज्यादा मॉइस्चर एंड हाइड्रेशन नहीं मिलता था मेरे स्किन में. ये सारी चीजें यूज किया है मैंने, देखा है मेरे स्किन में बहुत ही ज्यादा चेंजेस आए हैं. मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. पहले मैं इंस्टाग्राम में विदाउट फिल्टर वीडियोज नहीं बना पाती थी एंड अभी मैं बस रियल स्किन केयर वीडियोज करती हूँ, रियल कैमरा से ही वीडियो करती हूँ. डेली लाइफ स्किन केयर में ये 5 स्टेप एकदम इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मैं कहीं नहीं चाहती हूँ. फर्स्ट है फेस वॉश एंड क्लिंजर. आप कोई भी फेस वॉश ले सकते हो जो क्लिंज भी करे. सेकेंड है टोनर, जो कि आपके फेस को हाइड्रेट रखता है एंड बहुत ही ज्यादा शाइनी देता है. मेरा वाला टोनर से मैं आपको बताऊंगी कौन सा टोनर है. थर्ड है सीरम एंड उसके बाद है मॉइस्चराइजर एंड द लास्ट सनस्क्रीम. सनस्क्रीम ऑब्वियसली मैं बाहर जाती हूँ या फिर मैं धूप में रहती हूँ तो ऑब्वियसली मैं यूज करती हूँ. सो फर्स्ट आई स्टार्ट माई स्किन केयर रूटीन विद फेस वॉश. ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, सिंपल का रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश है ये, फॉर स्मूदिंग एंड फ्रेश स्किन के लिए. एंड ये स्पॉन्सर नहीं गाइस, इसको मैंने पहले ही प्रमोट कर चुकी हूँ, पहले ही मैं इसका स्पॉन्सर कर चुकी हूँ, बट अभी का वीडियो में ये स्पॉन्सर नहीं है. एंड दिस इज सो नाइस. आई एम यूजिंग दिस, इट्स बीन अ 4-5 मंथ एंड इससे पहले मैं डर्माको का यूज करती थी. डर्माको का भी बहुत ज्यादा अच्छा था एंड ये मेरे स्किन को बहुत ही ज्यादा स्मूथ बनाता है. एंड द बेस्ट पार्ट, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है एंड मेरे स्किन में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है. आई सजेस्ट यू गाइज, अगर आप फेस वॉश देख रहे हो या फिर रिप्लेस करना चाहते हो अपने फेस वॉश के साथ, कोई जेंटल फेस वॉश देख रहे हो तो गो फॉर दिस वन. जो भी मैं ये दिखा रही हूँ ये मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है. नाइट स्किन केयर के रूटीन में बस मैं ये ऐड करती हूँ, इससे अपना मेकअप रिमूव करती हूँ अच्छे से. एंड दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप. अपने आंखों में लगा लो, नहीं जलन होगा, नो एल्कोहल, दिस इज बेस्ट. नाइट स्किन केयर रूटीन में बस मेरा ये ऐड हो जाता है, उसके बाद कंटिन्यू हो जाता है फेस वॉश एंड टोनर मॉइस्चराइजर एंड ऑल. बैक टू मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. सो मेरा सेकेंड स्टेप है ये टोनर, टोनी मोनिका वंडर टोनर. दिस इज अमेजिंग, दिस इज ह्यूज, दिस इज बेस्ट, दिस इज अमेजिंग, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ. एंड ये आप छोटा सा बॉटल में लेके, मिस्ट वाले बॉटल में लेके स्प्रे भी कर सकते हो, अच्छा होगा. एंड अगर आप ये यूज करना चाहते हो तो हाथ में लेके थोड़ा 2-3 पंप लेके डैप 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 डैप, इट्स अमेजिंग. जब तक आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाते तब तक आप डैप कर सकते हो. मैंने अपना फेस वॉश पहले ही कर लिया था तो आई एम यूजिंग दिस टोनर, इनफ है. एंड ये जस्ट अपने फेस में एब्जॉर्ब होने देना है. आई होप मेरा स्किन हाथ क्लीन हो, क्योंकि मैंने अभी अभी तो धोया था, बट आई डोंट नो. अगर आप जब भी स्किन केयर करते हो अपना हाथ एकदम ही क्लीन रखना जरूरी है. एंड मैंने ये टोनर अभी यूज़ कर लिया है, दिस इज सो नाइस. मैं आपको बताती हूँ, आई एम यूजिंग दिस, इट्स बीन अ 1 ईयर एंड 1 ईयर में मैंने 3 बॉटल ख़त्म कर चुका हूँ. एक बॉटल मैंने फेंक दिया एंड दिस इज 2 एंड लास्ट अभी मैंने ये लिया है. कल ये मुझे रिसीव हुआ है एंड आधा यहाँ पे है और आधा यहाँ से खत्म है. आपको देख के पता चल ही गया होगा कि आई एम ऑब्सेस विद दिस प्रोडक्ट. अगर आपको अपना ग्लास स्किन चाहिए या फिर आपको हाइड्रेशन चाहिए तो गो फॉर दिस प्रोडक्ट. एंड सेकेंड टोनर मैं यूज करती हूँ ये लनियाज. आई डोंट नो द ब्रांड नेम, मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. एंड दिस इज रियली नाइस, आपके स्किन में बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेशन देता है एंड ग्लो भी करते हैं बहुत ही ज़्यादा. एंड दिस इज माई फर्स्ट बॉटल, मैंने थोड़ा सा ही खत्म किया है. मैंने ये 2-3 बार यूज़ किया था इससे पहले भी, रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. मैंने इसका बहुत ज़्यादा वीडियोज देखा था इसलिए आई ऑर्डर, बट दिस इज वेरी एक्सपेंसिव ब्रो. 18 ml का मुझे पड़ा है 900 rupees. इसका थोड़ा सा बड़ा बॉटल लेने से अच्छा होता, वो थोड़ा एक्सपेंसिव था तो मैंने सोचा कि फर्स्ट मैं ट्राई कर लेती हूँ. बट आई थिंक इतना सा 18 ml के लिए 900 rupees, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. एंड इसका प्राइस मैं बता देती हूँ आपको, ये मुझे 1500 का पड़ा, बट आपको नायका में कभी कभी सेल में मिल जाएगा तो 900 rupees, 600 rupees में भी मिल जाता है ये कभी कभी. लास्ट टाइम मैंने जब ऑर्डर किया था वो 600 rupees में किया था एंड लास्ट टाइम किया था जो ये वाला मैंने 900 something में किया था, बट इसका रियल प्राइस है 1500.
तो अगर आपको सेल में मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। इतना बड़ा बॉटल 500 ml का, ओ माई गॉड रियली 500 ml का आपको ये मिल जाएगा। इसीलिए मैं बोल रही थी कि ये सारे बॉटल्स मुझे 1 ईयर में ख़त्म करने पड़े हैं। इट्स नाइस, लाइक अगर आपको 600-900 रुपीज़ पे मिल जाते हैं तो। एंड ये वाला बस 18 ml का है एंड 900, और इसका प्राइस कम होता ही नहीं है, इसमें सेल आते ही नहीं है। आई थिंक थोड़ा एक्सपेंसिव है ये। अगर आप बिगिनर हो तो गो फॉर दिस वन, दिस वर्क्स रियली वंडर। मैंने अभी भी यूज़ किया था एंड ये टोटली अब्सॉर्ब हो चुका है स्किन में एंड ये गिविंग थोड़ा सा ग्लास स्किन टाइप का वाइब। थर्ड स्टेप है मेरा ये कोसारेक्स का स्नेल म्यूसिन एंड दिस इज अमेजिंग गाइज। मैं ऑलरेडी ये 2 यूज़ कर चुकी हूँ, आई थिंक मैंने टोटल 4 यूज़ किया है ये 1 ईयर में एंड दिस इज़ रियली नाइस। मैं आपको बता दूँ ये सारे स्किन को शूट नहीं करते हैं बट मेरे स्किन में बहुत ही अच्छे से काम किया है, मेरे स्किन में कभी भी ब्रेकआउट्स वाले चीज़ें नहीं हुए हैं। यही एक प्रोडक्ट है मेरे स्किन के रूटीन में जो कि ऑल स्किन टाइप नहीं है, सारे लोगों को सूट्स नहीं करते हैं, काफ़ी लोगों को ब्रेकआउट्स आ जाते हैं ये यूज़ करने के बाद, पर मुझे नहीं आया। मैंने ये 1 ईयर में 4 बॉटल ख़त्म कर चुकी हूँ बट मेरे स्किन में कोई भी ब्रेकआउट्स नहीं आया है अभी तक। एंड अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है ये तो आई सजेस्ट यू गाइज आपको यूज़ करना चाहिए। जब तक आप ये यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा आपके स्किन में सूट करता है या नहीं। अगर सूट कर लिया तो बेस्ट है, अगर नहीं करता है तो यू कैन स्किप दिस। ये मेरे स्किन को इतना हाइड्रेट करता है, लाइक आई थिंक ऐसा हाइड्रेशन कोई भी प्रोडक्ट मुझे नहीं मिला होगा कोई भी प्रोडक्ट से, तो आई लव दिस प्रोडक्ट। दिस इज बेस्ट फॉर ग्लास स्किन, अगर आपको ग्लास स्किन चाहिए तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ द ऑर्डिनरी नाइसिनामाइड 10% प्लस जिंक 1% का सीरम। दिस इज बेस्ट अगर आपके फेस में पिंपल्स के दाग है, पिगमेंटेशन है, तो दिस इज बेस्ट। एंड अगर आप बिगिनर हो तो डोंट यूज दिस नाइसिनामाइड 10% का, एक ही बार में आप 10% यूज मत करना, आपके स्किन में ब्रेकआउट्स आ सकते हैं। मैंने बट यूज़ कर लिया था, काफ़ी लोगों को सूट नहीं करता है एक ही बार में 10%, मैंने सुना है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो 5% का भी कर सकते हो, मैं यूज़ कर रही हूँ 10% जिंक 1% का एंड दिस इज बेस्ट। ये सारे पिंपल जो भी आए हुए हैं मेरा, ये अगर मैं यूज़ करती हूँ 2-3 दिन अच्छे से तो ये पिंपल चले जाएंगे। एंड ये पिंपल क्यों आए हुए हैं, क्योंकि मेरे पीरियड्स के टाइम में पूरे महीने में मेरे पिंपल्स नहीं दिखते हैं, जब मेरा पीरियड्स होता है तो 100% 2 या फिर 3 पिंपल्स आ ही जाते हैं। एंड दिस वन ये भी पिंपल्स ही था जो कि मैंने हाथ लगा लिया था, इसलिए इसका दाग बैठ गया है। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस, कभी भी अपने पिंपल्स में हाथ या फिर नेल्स मत लगाना क्योंकि दाग बैठ सकता है। मुझे पता था फिर भी मैंने गलती से लगा लिया, इसलिए इसका दाग बैठ गया। ये मैंने अपने डैम स्किन में लगाती हूँ, जो भी प्रोडक्ट है मैंने यूज किया हुआ है सारे मैं डैम स्किन में यूज करती हूँ। बेसिकली आई एम यूजिंग दिस फॉर माई पिंपल्स या फिर कोई भी दाग होते हैं उसको फेस करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ एंड दिस वर्क्स रियली नाइस, अच्छे से काम करता है मेरे स्किन में। आई डोंट नो अबाउट ओदर्स, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिव्यू देखा है उनको काम नहीं किया हुआ, ब्रेकआउट्स आते हैं, बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये मुझे मेरे स्किन में बहुत ही अच्छे से सूट कर रहे हैं। ये मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पे देख के आपको पता चल ही गया होगा कि कितने दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ। ये सारे बॉटल मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था क्योंकि ये आपको बिलीव हो जाए कि ये वाला मेरा रियल स्किन केयर रूटीन है, क्योंकि ये स्पॉन्सर नहीं है गाइज। एंड फॉर मॉइस्चराइजर आई यूज़ दिस कोसारेक्स का ऑल इन वन क्रीम एंड दिस इज़ बेस्ट फॉर ग्लास स्किन मुझे लगता है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को एंड ये मैं थोड़ा सा यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा स्किन ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट हो चुकी है एज़ यू गाइस सी। एंड ये भी ऐसे वाले टेक्सचर में है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहा है या मैं नहीं। एंड दिस इज़ सो नाइस, लाइक ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है एंड बहुत ही ज़्यादा जेंटल है स्किन में, आई लव इट। And I have been using this almost 1 year, like कोसारेक्स का जो भी प्रोडक्ट है ये भी मैं 1 year से यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैंने 1 year पहले अपना पूरा टोटली स्किन केयर रूटीन ही चेंज कर दिया था। आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा हाइड्रेटेड एंड ग्लास स्किन दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है एंड बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। सो आप देख सकते हो मेरा स्किन पूरा ही ग्लास स्किन वाइब दे रहा है, दिस इज़ सो नाइस। जो भी प्रोडक्ट मैंने दिखाया हुआ है सारे नॉन स्पॉन्सर है। इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू बाय तो अपना रिसर्च भी एक बार कर लीजिएगा क्योंकि
सारे प्रोडक्ट मेरे स्किन के लिए यूज होते हैं, बट आई डोंट थिंक सो सबके स्किन के लिए यूज होंगे। जितने भी मैंने प्रोडक्ट दिखाए आपको, सारे मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरे स्किन में काम करते हैं, आई डोंट थिंक सो सबके स्किन में काम करते हैं। अगर आप खरीद रहे हो तो अपना रिसर्च भी कर लेना। फेस वॉश जो मैंने सिंपल का फेस वॉश लिया, ये सारे स्किन को सूट करते हैं, एंड दिस वन इज बेस्ट, गो फॉर दिस वन। एंड सेकेंड आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ 100% ये टोनी मोली का वंडर का टोनर, दिस वन इज बेस्ट। लाइक कहाँ गया बॉटल, पूरा बॉटल, सो दिस वन इज बेस्ट। अगर आपको लेना है तो आप ये ले सकते हो, बहुत ही लंबा चलता है ये। एंड इसके साथ आप एक मिनी शो से जाके ये मिस्ट वाला बॉटल ले सकते हो, जो कि आपका स्प्रे करने से अच्छा होगा, क्योंकि अगर हाथ पे आप डैम करके लगाओगे ना तो ये बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट वेस्ट होता है। थर्ड प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ ये वाला प्रोडक्ट, एंड ये वाला बहुत ही अच्छा से काम करता है, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। लास्ट डेली स्किन केयर रूटीन में है मेरा ये सनस्क्रीन, अगर मैं कभी बाहर जाती हूँ तभी मैं ये लगाती हूँ। एंड अगर आपको ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है तो आप ये यूज कर सकते हो, ये डर्माकोल का हाइड्रोनिक लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन है, लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन, एंड दिस वन इज बेस्ट। सो ये वाला ना डर्माकोल ने नया लॉन्च किया है, पहले वाला जो सनस्क्रीन था सेम पैकेजिंग में वो वाला नहीं है ये। अभी मैं यूज करने वाली हूँ ये वाला सनस्क्रीन, एंड दिस इज बेस्ट। मैं ये कभी कभी यूज करती हूँ बिकॉज ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, कभी कभी ही यूज करती हूँ, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाली क्योंकि मैं घर से बाहर तो अभी जाने नहीं वाली हूँ, मैं बस आपको दिखाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई प्रोडक्ट बिकॉज बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये कुछ ऐसा लुक देता है, एकदम ही ग्लास स्किन टाइप का, आई लव इट। स्किन केयर रूटीन खत्म हो चुका है। फॉर द लिप बाम मैं यूज़ करती हूँ ये लनेज, आई डोंट नो ब्रांड का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है मुझे, लनेज लिप स्लीपिंग मास्क ये वाला, एंड दिस इज फेमस, आई नो बहुत सारा ही मैंने इसका वीडियोस देखा है। एंड ये ना इसमें पिंकिस वाले टेक्सचर देता है, ये दिन में नहीं पहनती हूँ, ऐसे मैंने अभी पहन लिया, ये रात में लगा के मैं सो जाती हूँ। एंड जितने भी मेरे स्किन के स्टेप दिखाए वो तो मैं यूज ही करती हूँ, बट वो छोड़ के भी मैं वीक में एक बार यूज करती हूँ ये द ऑर्डिनरी का पीलिंग सोल्यूशन, एंड ये मैं सिर्फ वीक में एक बार यूज करती हूँ। सो ये मैंने खत्म कर लिया है, वेयर इज द बॉटल, सो मैंने ये खत्म कर लिया है दो, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं हुआ ये मैं यूज कर रही हूँ, बट आई लव इट। इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, जो भी आपका फेस में शाइन नहीं हो रहा है या फिर बहुत ही ज्यादा डर्ट हो गया है या फिर कुछ भी डलनेस है, तो ये पहनने के बाद वो मेरा चला जाता है, इसीलिए आई लव दिस प्रोडक्ट। आई डोंट नो मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है, ओह माय गॉड, इसीलिए आई लव दिस प्रोडक्ट। एंड ये बस मैं यूज करती हूँ वीक में एक बार, यहाँ पे इतना बड़ा डिस्क्लेमर लगा दिया गया है, यूज ओनली ट्वाइस अ वीक, बट मैं वीक में एक ही बार यूज करती हूँ। ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा काम करता है, ये ओरिथ्रो भी यूज करता है क्योंकि उसको भी अच्छा लगता है ये प्रोडक्ट, आई डोंट नो वाई, उसका स्किन में जो डलनेस है ना वो सारे शाइन हो जाते हैं ये लगाने के बाद, इसीलिए आई लव इट। एंड इसका ना टेक्सचर ना ऐसा है, ओह माय गॉड। एंड मैं बता दूं आपको, ये सारे स्किन में लाइक शूट नहीं करते हैं, तो अगर आप लगाना चाहते हो तो पहले अपना नेक में या फिर हाथ में ही ट्राई करना फर्स्ट, एंड उसके बाद आप अपना स्किन में यूज कर सकते हो। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आपका स्किन जलेगा ही थोड़ा थोड़ा, तो वो लाइक इचीनेस आएगा, मेरे स्किन में भी आया था, बट उसके बाद मैं जब यूज कर रही ना तो लाइक इट्स वर्क नाइस, इसीलिए मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड या तो इतना ही था मेरा रियल स्किन केयर वीडियो, एंड इसमें कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, जो भी मैं दिखा रही हूँ आपको प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ, क्योंकि इतना सारा बॉटल्स है। एंड मैं ये सारे स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ 1 ईयर से, मैंने अपना स्किन में बहुत ही ज्यादा चेंजेस देखे हुए हैं, आप लोगों ने भी देखा हुआ है। एंड या आप अभी भी देख सकते हो ये कितना अच्छे से ग्लो कर रहा है, तो थोड़ा सा क्लोजअप भी दिखा देती हूँ आपको, मैं कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा स्किन, एकदम ही ग्लोई एंड लाइक ग्लास स्किन बोल सकते हो आप। एंड अगर आप लेने से पहले भी डर रहे हो कि ये प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं, ब्रेकआउट्स आएंगे कि नहीं, तो अगर आप जब तक यूज़ नहीं करते हो आपको पता कैसे चलेगा कि वो आपको सूट करते हैं या नहीं। मैं भी ऐसी ही थी, इसलिए मैं पहले कुछ भी यूज़ नहीं करती थी, देन मैंने ट्राई किया प्रोडक्ट्स, उसके बाद आई लव इट, जो जो मुझे अच्छे लगे मैंने रखे, मैंने आपको दिखाए, एंड जो जो अच्छे नहीं लगे वो मैंने स्किप कर दिया, अभी मैं यूज़ भी नहीं कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कुछ हेल्प हुआ होगा आपको मेरा वीडियो देख के। एंड अभी भी गिव अवे चल रहा है, गिव अवे का जितने भी इन्फॉर्मेशन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो या बाय एवरीवन।